খুব সুন্দর খুব ভাল লগা পাওয়ার প্লে পারফরমেন্স প্রিয় দর্শক মই পাঠকটিম ফর্মা অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগত মোর কইতে আছে সুদূর পশ্চিম বঙ্গৰ পৰা আহি বৰবিতা মিত্র আপোনাক আন্তরিকভাবে স্বাগত জনাই থ্যাংক ইউ সো মাচ এন্ড আই উড লাইক টু থ্যাংক টু অল দ্য মেম্বার্স অফ এনকে টিভি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফিসে মতলব আপ লোগে সামনে হামে লানে কে লিয়ে একটু বাংলা বলার চেষ্টা করছি लेकिन मुझे हिंदी में ही बोलना होगा क्योंकि मेरा बांग्ला इतना अच्छा नहीं है मैं भी हिंदी में ही बोलूं ठीक है बढ़िया तो বৰবিতা মিত্র কোন হয় আমি দৰ্শকসকলক পুনৰাই বা দোহৰাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলৰ মাজত যথেষ্ট চৰ্চিত হৈছে জনপ্ৰিয় হৈছে কেৱল যে জুবিন গাৰ্গৰ গান গাই বৰবিতা মিত্র চৰ্চিত হৈছে তেনে নহয় তেওঁৰ চৰ্চিত হোৱাৰ অন্যতম কাৰণটোৱেই হৈছে তেওঁ যথেষ্ট ভাল গীতকাৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে শুনিছে গতিকে আমি অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ যাম আন এটা ছেটত বহি আমি বৰবিতাৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিম সংগীত শিল্পীসকল আছে আমাৰ সৈতে গতিকে আমি অনুষ্ঠান আগবঢ়াই দিম কিন্তু দৰ্শকৰ দাবী আমাৰ এন কে টিভিৰ বি চি আৰ টিমৰ দাবী কেমেৰা টিমৰ দাবী যে বৰবিতা জুবিন দা কা অৰে গানা লোক শুনা চাহে হম ভি গানা পছন্দ কৰতে বিলকুল তো আপ এহি পে জুবিন দা কা অৰে গানা গাইয়ে ফিৰ আপ দুসৰে সেট মে যায়েঙ্গে বাত কৰতে হে তো মঞ্চ আপকা একদম থ্যাংক ইউ का दिल भर गया है तो हम यहाँ ज्यादा बात करे बिना दूसरे सेट पे जाते हैं दूसरे सेट पे जाकर बात करते हैं कि जुबिन गार्ग का गाना के साथ आपका अपनापन कैसे जुड़ा कैसे आप आसाम में आकर इतनी शो करे और लोगों के दिल में बस गए सारी बातें करते हैं तो दूसरे सेट पे ইতিমধ্যে আপোনালোকে গীত শুনিছে গতিকে গীতৰ কথা নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজি এন কে বিশেষ অনুষ্ঠানত আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ সুদূৰ পশ্চিমবংগৰ পৰা আজিৰ তাৰিখত অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী হিচাপে কোনো অত্যুক্তি কৰা নহ'ব বৰবিতা মিত্র আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম থেংক ইউ গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক আমি অনুষ্ঠানৰ নাম থৈছোঁ মায়াবিনী মাতৰ কিয় অনুষ্ঠানৰ নাম থৈছোঁ সেয়া আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে বোধগম্য হৈছে এটা মায়াবিনী মাত আৰু মায়াবিনী জুবিন গাৰ্গৰ আন এটি জনপ্ৰিয় গীত আৰু জুবিন গাৰ্গৰ গীতেৰে তেওঁ অসমবাসীৰ বুকু তেনেকৈ সোমাই গ'ল আজি সৰ্বত্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া মানুহৰ মোবাইলে মোবাইলে ঘৰৰ টিভি টিভিয়ে বৰবিতা মিত্ৰত আছে নাকি নাম গতিকে আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজি এন কে বিশেষৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত তো বৰবিতা জেছে কি মানে কাহা লোককে দিল মে বাজ গে হোৱা পেহলে হি দো গানা লোগোনে শুনা ফিৰ আব হম বাত কৰেংগে পেহলে আপসে পুছনা চাহেংগে কি জুবিন দা কে গানো কে সাথ হি আপনাপন कैसे शुरू हुआ कैसे जुड़ा जब छोटी थी बचपन में जुबिन दा का पहला गाना मैंने सुनी थी याली हाँ टीवी पे आता था बहुत और बहुत हिट हुआ था गाना उसका एक असर रह गया था लेकिन मैं कभी गाना गाऊंगी मैं कभी परफॉर्म करूंगी वो भी लाइव परफॉर्म ऑर्केस्ट्रा में गाना गाऊंगी वैसे मैं लाइव शोज करती रहती हूँ तो ये कभी सोचा नहीं था मैंने क्योंकि डांस करने का बहुत शौक था मुझे लेकिन पापा ने मुझे गाना सिखाया मतलब टीचर के पास दिया था पापा ने उसने ही बोला था कि तुम अगर गाना सीखोगे अगर गाने इस गाने को लेकर तुम आगे बढ़ोगे तो लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें क्योंकि गाना गाकर जो सुकून तुम बाकी लोगों को तुम्हारे दर्शकों को श्रोता लोगों को तुम दे सकोगे वो कुछ और करने से शायद तुम्हें तुम्हें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और बचपन से ही मैं बहुत मतलब ये जो एंटरटेनमेंट लाइफ है हम लोगों का विनोदन जगत बोलते हैं हम बंगाली में इसके साथ जुड़ना बहुत मन था मुझे पहले से ही एक नेम फेम होगा लोग मुझे चाहेंगे ये कौन नहीं चाहता पैसों से तो खरीद नहीं जाता मतलब खरीद नहीं पाएंगे हम लोग ये सब तो इसका ही एक बहुत बहुत मन कामनाएं थी मेरी और अभी जो हो रहा है मेरे साथ मतलब मेरे लाइफ में जो चल रहा है अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरे लाइफ में बहुत प्राइम टाइम चल रहा है ये और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग का हाथ शायद ऊपर से है मेरे ऊपर और साथ में जुबिदा के बारे में क्या बोलूँ मैं उसके बारे में बोलने का कोई शब्द ही नहीं है उसके जितने सारे गाने मैंने सुने हैं ऐसे भी इस गाना पहले नहीं सुनी थी मैंने ऐसे भी इस गाना मेरी शादी के बाद एक्चुअली मेरे हस्बैंड असम से बिलोंग करते हैं अच्छा, अच्छा। हाँ वो रांगापाड़ा से बिलोंग करते हैं तो उसने एक दिन मुझे बोला कि ये जो गाना है मनोर निजानौत
उसने मुझे बोला कि इसका ये वर्षन सुनो, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, रात को खाना खा के मैं सुनने लगी वो मोनोर ने जानो, तो उसका जो रीमेक वर्षन है वो सुनी थी मैंने। बाद में आके जब लाइव परफॉर्मेंस के लिए मैंने तैयारी की, तब जाके सुना कि उसका ओरिजिनल वर्षन भी है एक। उस दिन के बाद से मैंने उन्हें बोला कि अच्छा तुम तो पहले गाना गाते थे, जुबिंदर का गाना भी तुम स्टेज पे परफॉर्म करते थे, ऐसे 90s का ही हिट गाना हुआ जो गाना बहुत फेमस है, हर एक गाना ही फेमस है जुबिंदर का, लेकिन उसमें से तुम्हें जो जो गाना अच्छा लगता है वो सब गाना तुम मुझे प्लीज एक लिस्ट तैयार करके दो, मुझे बस सुनना है। गाने का तो कोई इरादा ही नहीं था क्योंकि मैं तब असम में परफॉर्म भी नहीं करती थी। 3 साल हुआ है मैं ऐसे कॉमर्शियल शोज करती रहती हूँ। तो एक दिन बादशाह में शो था, बादशाह आनंद बाजार में शो था, बासंती पूजा का शो था वो। तो वहाँ पे कॉमेडी वाले दादा लोगों ने मुझसे कहा कि एक जुबिंदर का गाना सुनना है, वो भी एसएमएस गाना। तो ठीक है, वो गाना मैं गाई और उस गाने के बाद हर एक स्टेज में म्यूजिशियंस दादा लोग जो उस दिन मेरे साथ बजाए थे उन लोगों ने बोला कि मम्मी तो तुम्हें काम करना, तुम ये गाना माया भी नहीं गाई थी मैंने, माया भी नहीं मोनो नॉट मोनो नहीं जाना, माया भी नहीं गाई थी मैंने, ये गाना तुम्हें काम करना, हर एक स्टेज में तुम अंत में गा सकते हो क्योंकि इस गाने का बहुत डिमांड है। तब भी मुझे पता नहीं था कि असम में कौन कौन गाना चलता है, किस किस गाने का डिमांड है। तो ये गाते 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 एक अलग से इमोशन जुड़ गया गाने के साथ भी, और बहुत इच्छा मतलब मन में आ चुका था तब तक कि जुबिंदर से मिलना है, कैसे भी करके दादा से मिलना है, दादा के सामने जाना है, एक बार पाव छूना है दादा के। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत लोगों से बातें की, बहुत लोगों के द्वारा वहाँ पे पहुँचने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। फिर हमने सोचा कि ठीक है दादा से मिलेंगे ना, इस गाने के द्वारा ही हम मिलेंगे। अच्छा। तो हर एक स्टेज में मायाबिनी भी गाती थी। एक दिन मोनोर निजानत भी गा दी मैंने। मोनोर निजानत गाने के बाद हर एक स्टेज में मोनोर निजानत भी गाने लगी और मायाबिनी भी गाने लगी। इसका मकसद सिर्फ एक ही मकसद था कि कहीं भी करके, ये अभी तो सोशल मीडिया वगैरह लोग यूज करते रहते हैं, अरे कोई ना कोई तो मेरा एक वीडियो बना के दादा के पास भेज ही देगा। तो डे बाई डे मुझे लगा कि चलो इसको इस जगह पर ठीक करना है, गाने का ये गलत है, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है मेरी, ये सब करके मैं मतलब थोड़ी बहुत इस गाने को लेकर रोज ही प्रैक्टिस रखती थी। हाँ ठीक है चलो ये करना है वो करना है, ऐसे करके गाना गाती रही। तो मेरा बाई आटा चाड़ियाली में एक शो हुआ था, वहाँ पे मैं लाइव गई थी। बाई आटा में मेरी पहली शो थी वो, मतलब बाई आटा के साइड में पहले शो नहीं की थी मैंने, उस दिन पहली शो था मेरा, पहला शो था। और उस शो का जो लाइव वीडियो था वो वीडियो करीब 1 रात में 1.5 लाख व्यू आ गया लाइव, मेरे मोबाइल से जो नॉर्मली लाइव की थी मैंने, उसका बहुत रिस्पांस मिला मुझे, मैं बहुत खुश हो गई थी। लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से आफ्टर 30 डे वो ना डिलीट हो गया। बहुत रोई मैं उस दिन, बहुत रोई। एक गाना वो भी तो वायरल हो गया था, वो भी डिलीट हो गया मेरे से, अब क्या करूँ, डिलीट हो गया। लेकिन किसी होम टाइम्स बोल के कुछ कुछ ऐसे पेजेस कुछ पेज किसी ने बनाया था, उसका जो एडमिन था उसने वो डाउनलोड करके एक न्यूज़ बना दिया उसमें, और न्यूज़ भी वायरल हो गया और मुझे मेरा क्लिप वापस मिल गया, मैं बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद दादा के साथ मतलब और कई भी न्यूज़ मेरा हो चुका था वायरल। उसके बाद दादा ने एक दिन बुलाया कि दादा मैं क्या मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, खुशी के मारे बहुत हंस रही हूँ मैं। फिर दादा से मैं मिली, दादा से मिलने के बाद मुझे लगा हाँ चलो मेरा लाइफ सक्सेस, और कुछ नहीं। मौर्मिता हम लोगों को रख के रखने के लिए ये बात थोड़ी बाद में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि दादा के दादा को मिलने के बाद मौर्मिता को कैसा लगा, क्या बातचीत हुई, ये लोग जानना जरूर चाहेंगे। तो जैसे कि जुबिंदर हार्टथ्रोब है, सबको पता है असम का, आपको तो पता ही होगा, मेरा भी है बिल्कुल। तो असम का और एक जन है जिनके गाने आपने गाए हैं कई दफ़ा, मैंने सुना है, डॉक्टर भूपेन हजूरिया, भारत रत्न। तो पहले दर्शकों को हम आपके द्वारा उनका गाना सुनना चाहेंगे। और जो गाना हम गाएंगे डॉक्टर भूपेन हजूरिका सर का, ये जो गाना हम गाने वाले हैं वो गाना हम बंगाली में गाएंगे। बिल्कुल। हाँ, बंगाली में इसीलिए गाएंगे क्योंकि हमारे बंगाल में डॉक्टर भूपेन हजूरिका सर का जितने सारे गाने उसने लिखे हैं, बहुत गाना चलता है उसका वहाँ पे,
और तो और स्कूल के जितने सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह रहते स्टेट लेवल तक उसका गाना ही चलता है वहाँ पे। अच्छा। सर का गाना ही वहाँ पे चलता है। कॉम्पिटिशन के जितने सारे नोट्स होते हैं उसमें नॉमिनेशन में भूपेन हजारिका सर का गाना ही रहता है। तो ये गाना हम इसीलिए गाएंगे क्योंकि नॉर्थ 24 परगुना बोल के एक जगह है हमारे वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे इस गाने को गाकर मैं स्टेट लेवल तक जाके पहुंची और स्टेट लेवल से फर्स्ट प्राइज मैंने इसी गाने के द्वारा लाई थी। तो आज मैंने सिलेक्शन में वही गाना रखे हैं और वो भी बंगाली में, तो चलिए सुना दे आप लोगों को जी। और आप जुबिंदा से मिले उसके बाद क्या हुआ वो भी हम सुनेंगे, लेकिन बात कम करेंगे, गाना आपसे ज्यादा सुनना होगा नहीं तो दर्शक मुझे बाद में गाली देंगे। तो ठीक है मम्मी, हम बात करते रहेंगे, गाना सुनते रहेंगे, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। प्रिय দর্শক, গতিকে আমি মর্মিতার কণ্ঠত গীত শুনি যাম, কথাও পাতি যাম, কথা নিশ্চয় কম পাতিম, গীত বেশিকৈ শুনিম। তার পূর্বে যেহেতু সময় বাকি লগা কার, এটি চমু বিরতির পিছত পুনরভূতি। एक छोटा सा लाइव क्या वहाँ से वो भी वायरल हो चुका था और मतलब चारों तरफ वायरल ही वायरल वायरल ही वायरल यही सुनते आ रही हूँ मैं। लेकिन हाँ, दादा से मिली और दादा के साथ एक 90s का गाना हम कुछ उसको नया रूप देने वाले हैं, ऐसा कुछ बात करके आए हैं हम। तो फिलहाल अभी तो शोज चल रहा है, मतलब उनके साथ कुछ देखने को मिलेगा लोगों को। हाँ, वो तो जरूर मिलेगा। तो उसके लिए हम रुकना पड़ेगा हमें। और जैसे कि आप बोल रहे थे रोशनी ही रोशनी होगी, मैंने आपको गुनगुनाते सुना था थोड़ा बाहर जब आप आई थी। अगर हो सके तो ये गाना हम सुनना चाहेंगे, दर्शक भी सुनना चाहेंगे। मतलब रोशनी की बात आप कर रहे थे लेकिन अंधेरा के बारे में जुबिंदा का एक गाना है। দর্শক
हमारे म्यूजिशियन ज्यादा ऑलवेज माहिर है क्या सब का क्या बात क्या बात चलिए ओके दर्शक সকল মৰমিতা মিত্ৰৰ কণ্ঠত এবাৰ আমি শুনাবলৈ গৈছো জুবিন গাৰ্গৰ গীত এন্ধাৰ হ'ব নহয় क्या बोले आपको दर्शक भी बोलेंगे ये बात से एग्री करेंगे मेरा कि हम जब छोटे से सबसे जुबिंदर का गाना सुनते आ रहे हैं जब तब मेलोडी हमको सुनने को मिला था जो फील करते थे हम मैं बोलूँगा कि आज भी मुझे वो मेलोडी फील हो रही है थैंक यू तो जुबिन गार्ग के साथ आपका कुछ काम हो ये बात तो और भी अच्छी है आपने पापोंदा का भी गाना गाया बहुत सारा बहुत सारा नहीं पापोंदा को हम सुनते रहते हैं क्योंकि जैसे जुबिन गार्ग को हम सुनते हैं बहुत पसंद करते हैं उसका गाना वैसे ही पापोंदा का गाना भी हम बहुत पसंद करते हैं मतलब सुनते भी रहते हैं पापोंदा ने एक अलग सा ही माहौल क्रिएट कर रखा है मतलब बॉलीवुड में बहुत चाहते हैं लोग वहाँ पे हमारे बंगाल में तो पापोंदा का बहुत फैन बेस है बहुत जैसे जुबिंदा का है वैसे ही पापोंदा का भी है और कुछ कुछ गाना दिल में लग जाता है वैसे ही कुछ गाना हम सुनते रहते हैं और गाते भी रहते हैं गुनगुनाते रहते हैं थोड़ी सी और आपने असमिस में इतने सारा गाना गाया है असमिस लैंग्वेज आता है पुत्र का मैं हिकी बोले चेष्टा कर रहा हूं वंस मोर मैं अखोमिया भाषा इमान ভাল পাই বহুত কথা কব বিচাৰো মই কিন্তু কব নোৱাৰো दर्शकों को अच्छा लगेगा ये बोला आपने और I'm trying. I hope कि मैं सीख जाऊंगी जुबिंदर और पापोंदा को कुछ बोलना चाहेंगे जुबिंदर और पापोंदा को तो मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम नहीं नहीं आसामिस में मैं अपना लोगों क्या बोलते हैं हाँ बिल्कुल अपना लोगों आप लोगों को अपना लोगों मैं अपना लोगों वैसे तो पापोंदा के बहुत सारे गाने हैं बॉलीवुड में और जिस गाने के बारे में आपने बोला बहुत वायरल हो गया था ये क्लिप की मोबाइल टाइमलाइन स्क्रॉल करते ही ये गाना आ जाता है तो मैं थोड़ा वायरल करना चाहते हैं तो थोड़ा अलग से वायरल करते हैं ना मतलब वायरल होगा कि नहीं ये तो ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करेंगे हाँ। लेकिन हमने आज सोचा है कि बॉलीवुड में जैसे पापोंदा के बहुत सारे गाने हैं तो इस गाने के साथ एक 90s का गाना हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट किशोर जी अच्छा किशोर जी का एक गाना इसके साथ हम थोड़ा बहुत पंच करना चाहेंगे बिल्कुल बनाते हैं महफिल चलिए चलिए